Assalamualaikum Park Wheelers, मेरा नाम है सुनील मांज और मैं यूजर रिव्यू की सीरीज के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज का यूजर रिव्यू जो है वो काफी लॉन्ग वेटेड, काफी लोगों ने इसका डिमांड की भी थी। टोयोटा करोला ग्रैंडी CVT-i 1.8 का है और इस सिलसिले मेरे दोस्त अली हैं, मैं उनके पास आया हुआ था तो मुझे याद आया कि उनके पास ये गाड़ी है मौजूद, तो मैंने कहा चलो इसका रिव्यू शूट करते हैं। सो अली, आपने ये गाड़ी अभी रिसेंटली ली है, तो जब आपने गाड़ी खरीदी थी पहली बात तो ये कितने की ली थी और उस टाइम पे आपकी कंसिडरेशन जो है, और भी कोई गाड़ी आप कंसिडर कर रहे थे उस बजट में कि आप स्पेसिफिकली ये गाड़ी खरीदना चाहते थे? एक्चुअली पहले मेरे पास होंडा सिविक थी, अब ये लिए 31,50,000 के लिए है। 31,50 इसमें ऑन शामिल होगा? इसमें ऑन शामिल है। 31,50,000 की आपने गाड़ी ली है और उससे पहले आपने सिविक रखी थी? जी। वो कितने से रखी थी? वो मैंने 1.5 साल रखी है जी। 1.5 साल। और ये गाड़ी जो है ये आपने मतलब बुक क्यों नहीं कराई, ऑन पे क्यों ली? एक्चुअली सिविक फॉरन बेचनी पड़ी थी तो फिर मुझे ऑन पे ये गाड़ी लेनी पड़ी। ऑन पे लेनी पड़ी, अच्छा जी। 31,50 की ये ली और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी व्हाइट कलर में थी आपकी? वो भी व्हाइट कलर में थी। तो आपके साथ फिर कंपैरिजन आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं यूजर्स के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा बिकॉज आपने वो भी चलाई है और ये भी रखी है। इसको लिए भी कितना अर्सा हो गया? इसके लिए मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने, चलें तो काफ़ी टाइम है उस लिहाज से तो फिर कंपैरिजन के लिए। सो अगर आप इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर भी कर सकते हैं, चलें उस लिहाज से पूछ लेते हैं कि एज़ कम्पेयर टू सिविक, अगर आप इसको सिविक से कंपेयर करते हैं तो आपको क्या चीज़ इसकी बेहतर लगी है, क्या चीज़ सिविक की बेहतर लगी, दोनों में से क्या थी? एक्चुअली सिविक के इंजन का नॉइस बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और अगर आप इस करोला के लिए तो ये साउंडलेस गाड़ी है बिल्कुल, और सिविक अंडर पावर है, 1800 cc मैंने रखी हुई थी, लेकिन जब उसको एज लॉन्ग रन पे लेके जाते थे तो वो बिल्कुल इंजन का बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। ठीक है। करोला बिल्कुल साउंडलेस है, जितना मर्जी आप इसको पेडल दबाते रहेंगे आपके एज अ रन में आ जाती है और आपको फील होता है कि आप 1800 cc पे बैठे हैं। सो एज कम्पेयर्ड, मतलब एज कम्पेयर टू सिविक इसकी पावर आपको ज़्यादा लगती है? इसकी पावर ज़्यादा है। अच्छा, एक और दूसरा मार्केट में क्या जनरल लोगों का एक मिथ है, मैथ ही कहता हूँ बट लोगों की एक ओपिनियन है कि जी स्विफ्ट जो है वो बड़ी शीक कार है, हाई एंड कार है और टोयोटा जो है बुरी है, या सिविक जो है वो एक बड़ी स्मूथ कार है, टोयोटा बड़ी हार्ड कार है। अब आपने दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं, आपको क्या ओपिनियन है इस बारे में? नहीं जी, टोयोटा बहुत स्मूथ कार है, ऑलवेज स्मूथ कार है। मेरे पास पहले भी 3 टोयोटा थी, ऑल ऑफ सडन लास्ट ईयर मैंने होंडा ले ली, लेकिन वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई। एज कम्पेयर टू उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, शेप वाइज बहुत मॉडर्न थी और अंदर सीट्स वगैरह बिल्कुल अनकम्फर्टेबल थी। अच्छा, तो अगर उससे अगला सवाल आ गया सीटिंग कंफर्ट पे, आपने कहा कि वो अनकंफर्टेबल थी, इस गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट कैसी है? बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब इजी टू मूव है। ड्राइविंग साइड पे होंडा बिल्कुल परफेक्ट थी, अगर पैसेंजर साइड पे आप बैठे हों तो बिल्कुल ऐसा लगता है जमीन पे बंदा बैठा है। अच्छा, तो आप फैमिली के साथ अगर मूव करते हैं और ये गाड़ी यूज़ करते हैं, सो मेरे ख्याल है अगर आपकी फैमिली साइज 4 से 5 लोगों के लिए आराम से अकोमोडेट हो जाती है जी। एग्जैक्टली, बड़ी परफेक्ट। लेग रूम, हेड रूम कोई इशू नहीं है? नो इशू। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि भाई इस गाड़ी की, मतलब जो आपको डिसीजन अब आपने लिया खरीदने का, तो ठीक है आप सिविक बेच चुके थे, आपने कोई और गाड़ी कंसीडर की थी कि मार्केट में आपके पास ऑप्शन ही खाली ये थी? ऑप्शन ही खाली ये थी और इस पैसों में कोई और कंसीडरेशन में आ नहीं रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मजबूरी में गाड़ी ली, अगर कोई और गाड़ी अवेलेबल होगी इस प्राइस बजट में, जिसमें अगले साल दो में न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, तो यू विल गो फॉर दोस्ट? नहीं, अभी तो मैं इसको बिल्कुल चेंज नहीं करने लगा, बिल्कुल कम्फर्ट जोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि इस गाड़ी में आपने 31,50,000 रुपए की गाड़ी खरीदी है कि इसमें मिसिंग है इतने पैसों की, आपको रिटर्न नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मिस करते हो आपकी इस गाड़ी में होनी चाहिए? एक्चुअली बिल्कुल सॉफ्ट गाड़ी है और डोर्स का जो प्रॉब्लम होंडा में फेसिंग होता था, बहुत हैवी डोर्स होते थे, तो फीमेल दरवाज़ा बंद करते हुए बड़ा प्रॉब्लम उनको फील होता था। करोला बिल्कुल सॉफ्ट है, ईजी टू मूव है, द ओनली प्रॉब्लम इज के इसमें जो DVD प्लेयर दिया दैट इज़ विदाउट CD, इसमें वो एंड्रॉइड है, और उसमें विद CD था, तो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम आई फील लाइक के। ठीक है, इसमें बेसिकली और 2-3-4 और फंक्शन भी इन्होंने ऐड किए हैं, मुझे नहीं पता उनकी यूटिलिटी आपके लिए कोई है कि नहीं। एक ट्रैक्शन ऑफ का बटन दिया जो सिविक में आता था, पहले करोला में नहीं था, कभी आपने इसको यूज करके देखा? जी, इसको मैंने अभी यूज करके नहीं देखा, बाकी नहीं देखा। पावर मोड दिया है, यूज कीजिएगा भी नहीं क्योंकि काम नहीं आएगा, काम मेरा तजर्बा काम नहीं आएगा। सो आपने इसकी ट्रैक्शन पे रिलाई नहीं करना, ये अनलाइक आपकी जो डॉज चार्जर या आप बड़ी गाड़ी चलाते रहे उसका ट्रैक्शन नहीं कि बिल्कुल वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ये रिलायबल नहीं है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स का बटन है? ये स्पोर्ट्स का बटन दिया है और काफ़ी यूजफुल है। अच्छा? मतलब हाँ जी, पहले कभी किसी करोला में नहीं था, मतलब मेरे फैमिली में हम बाकी सारी कार्स इससे होता ये
अपने पावर मोड में आ जाती है और सीवीटी जो इसका इंजन है और वो कंटिन्यूस और रन पे ही आ जाता है, मतलब जो आम नॉर्मल में फ्री फ्लो को आपको हल्का सा जर्क फील होता है इसके बाद बिल्कुल नहीं होता। इसमें क्रूज कंट्रोल भी राइट, इसमें क्रूज सिविक में भी था, सिविक में भी है। अच्छा, और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी, पैडल शिफ्टर्स भी हैं, सिविक में नहीं है, सिविक में टर्बो में थे, नॉन टर्बो में नहीं थे। पैडल शिफ्टर हो गए, इसमें डुअल एयरबैग है जो कि सिविक में नहीं था, सिविक में नहीं है। सनरूफ है, इसकी पिछली सीटें भी एडजस्टेबल हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टिल्ट होती हैं। नहीं, पिछली सीटें आपने करके नहीं देखी यार, होती हैं शायद, होती हैं, मैंने करके होती है, मैं बता रहा होती है। मतलब अभी आपने तीन महीनों में भी आपने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। इसकी बैक सीट है ना जी, वो भी जितना भी है, मैं अगली सीट पीछे कर रहा हूँ ना, इस तरह आप इसकी पिछली सीट को भी टिल्ट कर सकते हैं। ओके, सिर्फ ग्रैंडी के अंदर आता है और सब में नहीं आता। अच्छा, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी आ गया है, पहले नहीं था। लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल, लग्जरी है कि नॉर्मल, नॉर्मल है, नॉर्मल बट डिजिटल है। नॉर्मल का मतलब ये कि एक ही टेम्परेचर सेट होता है, दोनों के लिए डिफरेंट नहीं हो सकता, उसको लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा जी, तो एक तो हम इसकी बात कर रहे थे ऑप्शंस की, कि एक इसमें ये आपको इन्होंने एंड्रॉइड दे दिया, क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, यूएसबी चार्जर है, ऑक्स है, लेदर चार्जर भी है। तो आपने कभी इसके जो ऑडियो सिस्टम है उसको अगर ऑक्स वगैरह पे यूज करें तो उसकी क्वालिटी कैसी है? आपने बता दिया कि एंड्रॉइड है, उसमें सीडी नहीं डाल सकती, बट क्वालिटी कैसी है? होंडा की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, स्पीकर्स की भी और सिस्टम की भी, इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। चेन मतलब बिल्कुल, मेरे पास पुरानी ग्रैंडी है उसकी तो बहुत पैथेटिक है। नहीं, इसकी बहुत जबरदस्त सिस्टम है, अगर हम इसको फुल वॉल्यूम भी कर ले वो इट गोज लाइक 40 पे जाता है, ठीक है, मैक्सिमम, तो कोई आवाज़ फटती नहीं है। सो मेरे जहन में एक और सवाल आया कि 2016 की मेरे पास ग्रैंडी थी, उसमें तो इमोबिलाइजर नहीं था और मुझे नींद नहीं आती रात को सोचते हुए कि चोरी हो जाएगी, बट इन योर केस मेरा ख्याल है इस गाड़ी में इमोबिलाइजर है, तो आपको इसकी चोरी का डर तो नहीं लगता होगा? नहीं, एक्चुअली इमोबिलाइजर है लेकिन मुझे चोरी का डर जरूर है। आपने वीडियो वगैरह देखी होगी। हाँ, मुझे वीडियो पे ले जो नेट पे चल रही कि 2 मिनट में चोरी हो जाती है, 2 मिनट में चोरी है, इसलिए मैंने स्पेशली एक और लॉक लगवा लिया इसमें। अच्छा, तो मेरे ख्याल से वैसे लम्हा फिक्री है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है टोयोटा और उनका अगर इमोबिलाइजर इतनी जल्दी हैक हो जाता है और कोई भी इतनी आसानी से इसको चोरी कर लेता है, तो उस इमोबिलाइजर का मुझे कोई फायदा समझ नहीं आता। सो आई थिंक पहले तो एक तो उन्होंने दिया बड़ी लेट है, 2016 में जाके दिया है जी। मतलब अगर आप इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लें या कोई भी लोकल गाड़ी भी लें, सुजुकी की हर गाड़ी में इमोबिलाइजर है, ठीक है। हाँ जी, और वो बड़ा इफेक्टिव है, तो इस लिहाज से मेरे ख्याल टोयोटा को इस पर सोचना चाहिए। अच्छा, ये तो खैर आगे इमोबिलाइजर की बात, बाकी इसके अंदर जो अलॉयज हैं और व्हील्स हैं मेरा ख्याल है इसमें इंपोर्टेड आते हैं। जी, इंपोर्टेड आते हैं और बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब आप, सो यू आर वेरी हैप्पी विद द कार? या एग्जैक्ट। सो आपको लगता है कि वैल्यू टू मनी, आपने 31-31.5 लाख रुपए में खर्चे हैं, आपको अगर दोबारा भी ऑप्शन दीजिए तो आप ये लेंगे? डेफिनेटली। अच्छा, आपने अभी तक इस गाड़ी की कोई सर्विस वगैरह कराई? अभी तक तो कोई सर्विस नहीं कराई। अच्छा, वैसे आपने इसके बारे में कोई रिसर्च की थी कि इसके पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी या पार्ट्स के रेट महंगे हैं कि सस्ते हैं? सस्ते हैं, सस्ते हैं होंडा से जी। और आप 3S पे जाते हैं, कंपनी की डीलरशिप पे जाते हैं? जी एग्जैक्टली, कंपनी पार्ट्स देने के लिए। एंड अगेन वी कम टू द पॉइंट कि पाकिस्तान में अगर आपने 3 मिलियन का अगर आपका बजट है और आपने गाड़ियाँ लेनी है तो 2 ही ऑप्शन है, अगर आपको 0 मीटर गाड़ी लेनी थी तो सिविक या करोला। तो सिविक इन्होंने रख ली थी, करोला इन्होंने ले ली। अगर हम करोला को कंपेयर करें इसी के पुराने वर्जन से जो कि यानी प्री फेस अपलिफ्ट था, तो टोयोटा ने इसमें काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसमें मैंने अपने डिटेल रिव्यू में बताया हुआ है कि इसमें बायजीनॉन हेडलैम्प्स हैं, इंपोर्टेड अलॉय व्हील्स हैं, टायर्स भी इंपोर्टेड हैं, उसके अलावा गाड़ी की शेप बड़ी मॉडर्न है, उसमें डे लाइट रनिंग है, और इसके अंदर टोयोटा ने ये जो हेड यूनिट दिया है जो एंड्रॉयड अली साहब को पसंद नहीं है, बट इसमें इन्होंने एक टोयोटा कनेक्ट के नाम से ऐप डाली है। आई डोंट नो उसका क्या यूटिलिटी है कस्टमर के लिए, कस्टमर ने आपको खुद बता दिया, मेरे ख्याल से उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ज़ीरो है। और बाकी इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, ऑक्स आ गई, लेदर सीट्स का सवाल मैं पूछना भूल गया, जो इसकी लेदर सीट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द सीट्स ऑफ सिविक या वैसे जनरल गाड़ियों में, लेदर आपको क्वालिटी कैसी लगी, बैठ के आपको मतलब कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, अगर आप लॉन्ग राइड पर लेके जाएँ तंग तो नहीं होते, थक तो नहीं जाते? नहीं, लेदर क्वालिटी दोनों गाड़ियों की सेम है। सेम है जी, बिल्कुल परफेक्टली सेम है। सो सीटिंग यानी अगर आप सीटिंग कंफर्ट बात करें सिविक वर्सेस होंडा, सेम? हाँ, इस सेम। एक और चीज़ है जिसके पिछला फ्लोर बेड है जी, ये फ्लैट है, सिविक का फ्लैट नहीं था, तो बच्चों के बैठने के लिए, फैमिली के बैठने के लिए इसमें आसानी है? इसमें आसानी है, उसमें बहुत प्रॉब्लम। सो ये था आज का रिव्यू जो कि टोयोटा ग्रैंडी 1.8 CVT-i के ऊपर किया गया था। हम लोग आपकी कमेंट्स को बड़ा सीरियसली पढ़ते हैं और काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था कि कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे यूज़र जो हैं वो बार बार हमसे डिमांड करते हैं ग्रैंडी की, बट एक्चुअली मुझे कोई ऐसा जो है आई कुडंट फाइंड एनी पर्सन जो मेरे दोस्त थे जिनके पास कोई ग्रैंडी हो या वो मैं टाइम दे सकें, तो हमने उसको प्रायोरिटाइज किया हुआ था, बट रियली सॉरी फॉर डिले, बट जो ही हमें अली साहब मिले हमने फ़ौरन उनको पकड़ के उनको दफ्तर के से उनको उठा के उनका टाइम लेके ये रिव्यू बनाया आपके लिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राह से आगाह ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन आती रहे। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, अगले रिव्यू में आपसे फिर मुलाकात होगी।